आप लोगों से मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, तो मैं कभी छुपाऊंगी भी नहीं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू अपडेट। तो गाइज, आप लोगों को पता होगा जब से एल्विस क्रीते का ब्रेकअप हुआ तब से बहुत सारे लोगों को डाउट था क्या दोनों के बीच में सच में ब्रेकअप हुआ है या फिर साथ में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते थे। तो फाइनली क्रीते मेरे लाइव आए थे एंड उन्होंने एल्विस यादव से रिलेटेड क्या कहा, आप खुद सुनिए। आई लव यू गाइज, मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को मैं नोटिस करती हूँ। आप लोगों से मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, तो मैं कभी छुपाऊंगी भी नहीं। मैं अगर कोई चीज का जवाब नहीं दे रही हूँ तो वो कोई रीजन ही होगा। ऐसे इम्पेशेंट मत हो एकदम से, और कुछ ऐसे किसी को ऐसा कुछ मत बोलो कि ये कर दिया धोखा पोखा। प्लीज, आपको लगता है ऐसा कुछ देख रहे हो ना आप बहुत टाइम से, सो ऐसा किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, ऐसा सब बढ़िया है। बाकी मैं दे पाती हूँ आंसर तो मैं दे देती हूँ, बस इतना बोलूंगी। एंड आई लव यू गाइस। इस चीज का अलावा मुझसे जो भी पूछोगे वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, आपको सब कुछ बताया है सब। मैं कुछ भी ऐसे इग्नोर नहीं कर रही, मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोल सकती तो मैं बोल देती, बट वो चीज ऐसा मतलब आप जो भी ऐसे assumptions लगाते हो कि इसमें ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। एंड गाइस, यहाँ पे एल्विस यादव से रिलेटेड एक और अपडेट। अगर आप लोग एल्विस यादव का डेली ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा आज से 4 मंथ आगे उन्होंने अपने फॉर्चुनर के लिए वीआईपी नंबर ले रहे थे 0001, जो कि किसी कारण वो नहीं ले पाए थे क्योंकि उस नंबर की बिड 1.5 करोड़ तक की लगी थी, जिसके बाद वो काफी उदास भी हो गए थे। बट उन्होंने आज अपने ब्लॉग में बताया कि फाइनली उनका वीआईपी नंबर 0001 मिल चुका है। एंड गाइस, कृति जब आज लाइव थी तब किसी बंदे ने एल्विस यादव के 0001 नंबर मिलने पर क्वेश्चन किया, जहाँ पे कृति ने कुछ रिप्लाई करी। सब लोगों को तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस, जो लोग चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।